हेलो गाइज, आज हम इस गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे हैं, इसके ब्रेक ठीक करेंगे। इसका मास्टर सिलेंडर ख़राब हो गया है तो उसका किट डालेंगे। मास्टर सिलेंडर इसका प्रेशर नहीं बना रहा है तो इसका हम अभी मास्टर सिलेंडर खोलेंगे और उसको खोल के देखेंगे उसके पिस्टन की क्या कंडीशन है। तो ये देखिए आपके सामने ये मास्टर सिलेंडर है, 5 रिंग वाला TVS का। तो गाइज अभी हम फटाफट इसको खोल के आपको दिखाते हैं इस मास्टर सिलेंडर को। तो अभी हम मास्टर सिलेंडर को खोलने वाले हैं। ये फिरोज भाई मिस्त्री है हमारे और ये पानी की थैली खोल रहे हैं, उसमें से पानी वगैरह निकालेंगे और इस मास्टर सिलेंडर को रिमूव करेंगे। तो आगे देखते रहिए आप, हम आपको आगे पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। अभी इसकी हाइड्रोलिक वाली पाइप निकाल के इसका हाइड्रोलिक एक किसी बोतल में डाल देंगे ताकि वेस्ट ना हो, और ये हाइड्रोलिक हम लोग वापस इसमें डालेंगे ताकि इसका एयर प्रेशर वगैरह निकाल के फिर नया हाइड्रोलिक इसमें डाल देंगे। ये देखो गाइस, ये मास्टर सिलेंडर की ऊपर वाली पाइप निकाल दी और उसका हाइड्रोलिक इस बोतल में ले रहे हैं ताकि ये वापस यूज में आ सके। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक बिल्कुल नया हाइड्रोलिक है तो ये हम वापस इसको यूज में लेंगे। तो ये देखो गाइस, ये पूरी बोतल भर चुकी है हाइड्रोलिक से, इतना वेस्ट हो जाता अगर बोतल में नहीं लेते तो। कम से कम 250 ml हाइड्रोलिक निकला है पूरा बोतल में, ऊपर खाली भी नहीं ये भी काम आ जाएगा। हाइड्रोलिक निकाल दिया है, अब इस मास्टर सिलेंडर को खोलेंगे। ये फिरोज भाई, तो हाँ फिरोज भाई आप इधर देखे, थोड़ा सा इंटरव्यू दीजिए अपना। फिरोज भाई ये अब मास्टर सिलेंडर की पाइपें रिमूव हो रही है, हाइड्रोलिक वाली तो रिमूव हो गई, अब ये ब्रेक पाइपें है जो आगे और पीछे के पहियों में जॉइंट हुई है। इन पाइपों के मदद से चारों व्हील में प्रेशर जाता है और प्रेशर से ये ब्रेक बनाते हैं। तो गाइज इसकी पाइपें भी हट चुकी है, अभी ये मास्टर सिलेंडर के सिर्फ 2 नट रहे हैं, जो 2 नट अभी खोल के पूरा मास्टर सिलेंडर बाहर आ जाएगा। तो गाइज नट का इसका माथा स्लिप हो गया है, अभी पाना नहीं लग रहा है, स्लिप मार रहा है, तो अभी इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा और इसको नट को खोलना पड़ेगा। तो गाइज नट स्लिप हो गया था, इसके लिए हमने पाइप रिंच से इसको थोड़ा जोर लगा के पाइप रिंच से इसको खोल दिया है। अब ये नट पाने से भी खुल रहा है, काफ़ी टाइट था, पाँव लगा के इसको कसना पड़ा, खोलना पड़ा। तो गाइज इसका किट आया है 250 रुपये का, अभी हम लोग इसको खोल के साफ करेंगे। पहले इसको मास्टर सिलेंडर को पिस्टन वगैरह बाहर निकालेंगे फिर इसमें नया किट लगाएंगे। मास्टर सिलेंडर अभी खुलने वाला है और अभी बाहर हो जाएगा। तो गाइज हमारा मास्टर सिलेंडर नट वगैरह सब खुल गए, अभी रिमूव होने वाला है। ये मास्टर सिलेंडर बाहर आ गया है, थोड़ी सी मुश्किल हुई लेकिन खुल गया है और ये बाहर निकल गया। ये मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर 5 रिंग वाला है TVS का। अभी इसको हम खोल के देखेंगे इसका किट कैसा है, पिस्टन कैसे है, बॉडी कटी हुई तो नहीं है। अभी मास्टर सिलेंडर ओपन हो रहा है अंदर से। इसका लॉक निकल गया, इसके ऊपर वाइसर है, अब इसके अंदर जो पिस्टन है वो अंदर दबे हुए हैं, इसको झटके से बाहर निकालना पड़ेगा दबा के, फिर या तो इसको उल्टा करके पत्थर पे मारेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। आएगा आएगा, पकड़ पकड़ हाथ। ये मास्टर सिलेंडर पिस्टन बाहर निकल रहा है, ये आ गया इसका पहला पिस्टन बाहर। आ जाओ उधर आ जाओ, और एक पिस्टन आएगा, इसको नट खोल खोल के निकलेगा, वो 10 नंबर का नट है।
अब ये इसका नट खुलेगा और एक इसके अंदर एक और पिस्टन है, वो नट खोलने के बाद में बाहर निकलेगा। गाड़ी के ब्रेक पूरे फेल हो चुके थे तो इसको हमने रास्ते में ही खोलना पड़ा साइड में लगा के। तो ये सेकंड वाला पिस्टन भी नट निकाल के पत्थर पे मार रहे हैं। आ गया होगा, देखो इसको, हाँ आ गया होगा। थोड़ा सा किनार से मारो और हाथ से पकड़ लो पिस्टन को। आ गया पिस्टन को पकड़ लो। कोई बात नहीं, वो तो अंदर है, जो हाइड्रोलिक तो वेस्ट हो गई। ये सेकंड वाला पिस्टन भी निकल गया। ये दोनों पिस्टन है, छोटा वाला तो सबसे आगे लगता है और उसके बाद में ये बड़ा वाला पिस्टन लगता है। इस पर तीन रिंग है और छोटे वाले पे, सॉरी बड़े वाले पे दो रिंग है और छोटे वाले पे तीन रिंग है। हाँ, ये छोटा वाला है ना, ये आगे लगता है। तो ये पूरा खुल गया, अभी हम इसको साफ सफाई कर करा के नया किट डालेंगे। हम लोग मास्टर सिलेंडर को सरफ से धो धो के, पिस्टन वगैरह सब कांच की तरह धो धो के साफ कर करा के हम इसमें किट नया डालेंगे। पहले इसको सरफ से धोना ज़रूरी है ताकि सारी डस्ट वगैरह हट सकती है और पूरी चिकनास दूर हो जाती है। ये हमने रबड़ की रिंग है, इसमें पांच रिंग है, मास्टर सिलेंडर में पांचों रिंग हमने ये किट लाया और किट चेंज कर दिया है। ये दोनों पिस्टन रेडी हो गए, एक नंबर और ये दो नंबर, और ये अंदर जाएगा पहले। ये एक नंबर है, ये दो नंबर। ये पिस्टन अंदर जाएगा, इस पर तीन रिंग लगी हुई है, एक दो और तीन। ये रिफ्लेक्स में लगी हुई है उल्टी सीधी और ये आगे की तरफ, और इसके आगे एक जाली और इसके पीछे एक पतला सा सिम रहता है। अब ये हो गए अपने दोनों पिस्टन तैयार। ये पिस्टन दोनों किट लग गए नए, बाकी ये देखो, ये पुराने किट थे, ये पूरे बड़े हो गए, फूल गए, इस वजह से इसमें प्रेशर नहीं बन रहा था। अभी हम लोग इसकी बॉडी को भी देखेंगे, कोई हॉल वगैरह चौक तो नहीं है। इसके हॉलों को भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं, अंदर कोई डस्ट डस्ट, वैसे तो हमने पानी से इसको धो दिया था। एक मिनट बैग और हाँ रोक दे, कर अटने कर। तो ये हम मास्टर सिलेंडर की बॉडी को अंदर से साफ कर देते, एक बार पानी से तो धो दिया है, और पिस्टन हमारे रिंग विंग लगा के सेट तैयार है। अब इसको बॉडी को थोड़ा अंदर से साफ वगैरह कर करा के फिर ये पिस्टन इसके अंदर डालेंगे। धोने के बाद में क्या है, थोड़ा बहुत जंग लग जाता है बॉडी में, तो क्लीन कर देते। अब ये हो गया एकदम अप टू डेट। पहला थी ना, क्या करना है, इस वायर की मदद से उस होल को एक बार वो पकड़ दो, तो मेरे को रोक देना, बीच में रोक देना। पहले रबड़ रबड़ को लगाऊंगा या दोनों को साथ में लग जाएगा? दोनों रिंग सेट है। सेट
के भी हो गए सेट। ये दोनों मुंह ऊपर के जो हाइड्रोलिक जाता है इसमें वो मुंह हो गए इसके सही सेट। अब इसमें डालेंगे थोड़ा हाइड्रोलिक। थोड़ा हाइड्रोलिक डालेंगे इसमें ताकि इसमें क्या है पूरा लग जाए। बॉडी पे हाइड्रोलिक लग गया है। अब डालेंगे हम लोग पहले वाला पिस्टन जो सबसे अंदर रहता है। बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रहा है। पहले वाली वो रिंगे थी ना वो खुल गई थी तो वर्क नहीं कर रहा था। अभी ये नट है ना अंदर से कॉपर का वाइसर है किट में देखो। हाँ ये इस नट में डालो। अब मैं जब पिस्टन दबाऊँ तो इस नट को इसमें बॉल में डाल के बस अटका देना। वाइसर लगा दिया अब कस दो। बस हो गया पिस्टन लॉक। ऐसे ब्रेक काम करता है। अब डालते इसका सेकेंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट अब वो लॉक आ गए। इस लॉक को लगाओ पेचकस से। नया लगाए थे क्या वो पेचकस पड़ा? इस पेचकस से दबा के इसको लॉक को अंदर घुसाओ। बस ये हो गए अपने। देखो कितना बराबर है ये हो गए अपने किट सेट और मास्टर सिलेंडर हो गए अप टू डेट। अब इसके ब्रेक बनेंगे इस कदर रोक बो कर जे। वीडियो सेट नहीं बनाई हो भेजी बात तो तेज स्पीड में पड़ी कर रोक भी नहीं स्टॉप कर दे पांच। हां तो अब ये हमारी असेंबली पूरी कंप्लीट किट डाल के तैयार हो चुकी है। अब इसको वापस गाड़ी में फिट करेंगे। अभी हाँ इसका बूट लग गया है कंप्लीट। लड़िए अरे ये बाद में लगाएंगे ये बाद में लगाएंगे। ठीक है एसी में तो लगाने का काम नहीं है ये बाद में लगाएंगे। आ जाओ अब रोक दो कैमरा। अब ये मास्टर सिलेंडर किट लगा के वापस गाड़ी में कस रहे हैं। किट हमने इसका कंप्लीट लगा दिया है। पांच रिंग वाला मास्टर सिलेंडर है ये टीवीएस का महिंद्रा के ऐसी हुई मेजर जिप। अब ये मास्टर सिलेंडर फिटिंग कर रहे हैं फिरोज भाई।
और इसको कंप्लीट लगा के फिर ब्रेक चेक करेंगे, प्रेशर कैसा बन रहा है, ब्रेक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, फिर आपको वापस आगे दिखाएंगे। बॉडी कस चुकी है, अभी इसकी पाइपें कसेंगे इसके ऊपर। अब इसकी एयर निकालेंगे हम लोग। कर पैंडल कर धीरे 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 कर पैंडल। हाँ वर्क तो कर ही, वो कर दो पैंडल कर। ये देखो गाइस गाड़ी के ब्रेक लगने लग गए। अब इसके ब्रेक लग रहे, वापस लेके देखो एक बार ट्राई करो। ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रहे थे, हमने इसके मास्टर सिलेंडर को किट वगैरह डाल डालो के रेडी कर दिया। ये तो अभी ब्रेक लग रहे हैं, एक पैनल में ब्रेक लग रहे हैं। तो ये मिशन हमारा हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये फिरोज भाई है और सब ने, पूरी टीम ने हमारा सहयोग करा है इसमें, और ये हमारी गाड़ी एकदम अप टू डेट हो गई और ब्रेक इसके अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू।